हेलो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये चांदनी का प्लांट है और इसके फ्लावर की शेप के कारण इसे पिनव्हील फ्लावर भी कहते हैं। और इसे अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो ये एक छोटे पेड़ की तरह या झाड़ी नुमा सा हो जाता है और ये हमेशा ही हरा भरा रहता है। और ये खाड़ी प्लांट है, इसे हम कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। ये जो मैंने प्लांट है कटिंग से लगाया है, आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत छोटा है अभी और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये लगभग हर तरह की मिट्टी में लग जाता है और अगर हम गमले में लगा रहे हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और पानी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी मिट्टी जो है वो हमेशा मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए और जो धूप है इसके लिए पूरे दिन की जो धूप है वो अच्छी रहती है। वैसे ये अगर हम इसे पार्शियल शेड में लगाते हैं तो भी ये अच्छे से ग्रो करता है। और जो फर्टिलाइज़र है हम 2-3 महीने में इसमें डाल सकते हैं या फिर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ हम करते हैं वो भी हम इसमें दे सकते हैं और इस पर पेस्ट अटैक बहुत कम होता है। और इस प्लांट के बहुत अधिक मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं और इसका जो यूज़ है वो हाई बीपी के लिए, पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए या फिर घाव सुखाने के लिए भी किया जाता है। त्वचा रोग जैसे जलने में या दाद में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसके जो फ्लावर्स हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर से लगते हैं तो, और ये बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो आप इस सुंदर से फूलों वाले पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगर हम इसे गमले में लगाते हैं तो अब हम इसे प्रूनिंग करके अपने मर्जी से इसको शेप भी दे सकते हैं। तो आप इस सुंदर से फूलों वाले प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।